Hello and welcome to my channel. My name is Vibha and in this video I am going to discuss with you two important adjectives few and little. अगर मैं आप लोगों से पूछूं few और little का क्या मतलब होता है तो you would say थोड़ा. Few का मतलब होता है थोड़ा, little का मतलब भी होता है थोड़ा. So what is the difference between two? Where to use few and where to use little? So in this video I will clear all your confusions regarding few and little. So watch this video till the end and also share it with your friends as much as you can. Now let's start today's session and have a look at the few and little. First thing first, few ka use aap karte ho countable nouns ke saath aur little ka use aap karte ho uncountable nouns ke saath. Clear? Few aayega countable nouns ke saath. For example, I say few books ya fir few people. बुक्स को आप काउंट कर सकते हो, पीपल लोगों को आप काउंट कर सकते हो, इसलिए इसके साथ क्या आया, फ्यू. आई कैन से फ्यू बुक्स, फ्यू पीपल. लाइकवाइज लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, ऐसे नाउन्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, लिटिल मिल्क, लिटिल शुगर या लिटिल वॉटर. मिल्क, शुगर, वॉटर कैसे नाउन्स है, अनकाउंटेबल. यू कांट काउंट मिल्क, यू कांट काउंट शुगर, यू कांट काउंट वॉटर, तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, little. Clear? Few का use countable nouns के साथ, nouns which you can count, और little का use uncountable nouns के साथ. ये तो बात हुई few और little के difference की. But आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई sentences में तो लिखा होता है few, कई sentences में लिखा मिल जाता है a few, और कई बार लिखा मिलता है the few. तो इनका भी क्या difference है few, a few और the few में, आइए इनकी बात करते हैं. See, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है इनमें, सबका मतलब तो थोड़ा ही होता है, ठीक है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तभी तो ये वर्ड्स बने, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. देखो, फ्यू का क्या मतलब होता है, फ्यू का नेगेटिव मीनिंग होता है. फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, इट मीन्स हार्डली एनी और ऑलमोस्ट नन यू कैन से, ठीक है, मतलब ना के बराबर अगर कोई चीज है काउंटेबल, ठीक है, यूज काउंटेबल के साथ ही होंगे ये तीनों क्योंकि फ्यू है. डिफरेंस कर रहे हैं हम बात फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की. फ्यू मतलब ना के बराबर जब कोई चीज हो तब आप कहोगे फ्यू. अ फ्यू क्या होता है, अ फ्यू फ्यू से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, इसका एक पॉजिटिव मीनिंग होता है, नॉट मैनी बट सम, ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ है, ठीक है. फ्यू में तो क्या था, बिल्कुल ही ना के बराबर. अ फ्यू मतलब कुछ है, इट कन्वेज अ पॉजिटिव मीनिंग, राइट. द फ्यू देखो, द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दैट, है तो ये भी ज्यादा नहीं, है तो ये भी थोड़ा ही, ज्यादा नहीं है पर जितना भी है वो सारा का सारा है. जब आप सारे की ही बात कर, चाहे थोड़ा बहुत जितना भी है, बट आप जब सारे की बात कर रहे हो तब आप क्या यूज करोगे, द फ्यू, ठीक है, यूज करोगे काउंटेबल के साथ तीनों का ही. बट जब आपको कहना हो कोई चीज ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नन, तो आप यूज करोगे फ्यू का, ठीक है. और जब आपको कहना हो कि कुछ थोड़ा है, मतलब फ्यू से थोड़ा ज्यादा, मतलब बिल्कुल ना के बराबर नहीं है कोई चीज, कुछ है, तो आप क्या कहोगे, अ फ्यू. और जब कहोगे कि सारा का सारा, कि जितना भी थोड़ा बहुत है लेकिन सारे की ही बात हो रही है, तब आप क्या यूज करोगे, द फ्यू. क्लियर? यही सेम चलता है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में भी, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, बिल्कुल सेम है. बस डिफरेंस क्या है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल के साथ यूज हो रहे थे, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होंगे, राइट. मीनिंग वही है, होंगे अनकाउंटेबल के साथ बट मीनिंग वही है. लिटिल का मतलब क्या हुआ, जो फ्यू का मतलब था, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, हार्डली एनी और ऑलमोस्ट नन, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है ये भी, बिल्कुल ना के बराबर जब कोई चीज है बट अनकाउंटेबल, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, अनकाउंटेबल के साथ प्लेस करोगे लिटिल को जब आपको कहना हो कोई चीज बिल्कुल ना के बराबर है. अ लिटिल क्या हुआ, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, नॉट मच बट सम, हाँ ज्यादा नहीं है, है तो थोड़ा लेकिन कुछ है, तब आप क्या प्लेस करोगे, अ लिटिल. और द लिटिल का क्या मतलब है, वही जो द फ्यू का मतलब था, नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट, ठीक है, मतलब है थोड़ा ही, ज्यादा तो नहीं है लेकिन जितना भी है वो सारे की जब आप बात कर रहे हो तब क्या यूज करोगे, द लिटिल. क्लियर? यूज होंगे तीनों अनकाउंटेबल के साथ. जब ना की बात करनी हो, बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज है, तो यूज करोगे लिटिल. जब कहोगे हाँ थोड़ा सा है, नॉट मच बट सम, हाँ कुछ है, तब क्या यूज करोगे, अ लिटिल, ठीक है.
और जब आपको कहना हो कि सारा का सारा जितना भी है थोड़ा बहुत बट सारा का सारा है, तब आप क्या यूज करोगे? द लिटिल। क्लियर? आइए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इनका डिफरेंस। सी, पहले फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू देखते हैं। She said because she has few good friends. देखो, she is sad. वो sad क्यों है? क्योंकि उसके बिल्कुल ना के बराबर अच्छे दोस्त हैं। कुछ दोस्त होंगे तो sad होगी क्या? नहीं, कि कुछ तो हैं। यहाँ पर क्या हम कहेंगे? Few good friends. ठीक है? क्योंकि उसके बिल्कुल ना के बराबर ही कोई अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो क्या है? Sad है। Right? यहाँ पर देखो, she feels blessed to have a few good friends. वो blessed feel करती है क्योंकि उसके क्या है? अ फ्यू गुड फ्रेंड्स। अ फ्यू का मतलब नॉट मैनी बट सम। हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं है बट कुछ अच्छे फ्रेंड्स तो हैं, इसलिए वो क्या है? ब्लेस्ड फील करती है। नेक्स्ट देखो, द फ्यू फ्रेंड्स शी हैज आर ऑल वेरी पुअर। द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू का क्या मतलब है? हैं थोड़े ही, लेकिन जितने भी हैं वो सारे के सारे, कि जितने भी उसके दोस्त हैं थोड़े बहुत जितने भी, लेकिन वो सारे के सारे फ्रेंड्स जो है वो क्या है? पुअर है। दे आर ऑल वेरी पुअर। क्लियर? तो आई होप आपको ये डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा। फ्यू का मतलब ना के बराबर ही अच्छे दोस्त, अ फ्यू गुड फ्रेंड्स बोला तो मतलब हाँ कुछ अच्छे दोस्त हैं, नॉट मैनी बट सम। द फ्यू का क्या मतलब है? कि जितने भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन सारे के सारे। क्या? जितने भी उसके थोड़े बहुत जितने दोस्त हैं, लेकिन वो सारे के सारे ही क्या है? पुअर है। क्लियर? अब आइए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सी, आई हैव लिटिल मनी सो आई कांट हेल्प यू। देखो क्या कह रहा है, आई हैव लिटिल मनी। ठीक है, मेरे पास लिटिल मतलब ना के बराबर, एक नेगेटिव सेंस कन्वे करता है लिटिल। ठीक है, मेरे पास ना के बराबर पैसा है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? अब देखो यहाँ पर देखो, डोंट वरी आई कैन हेल्प यू एज आई हैव अ लिटिल मनी विद मी। डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास क्या है? अ लिटिल मनी है, मतलब कुछ पैसा है। अ लिटिल का क्या मतलब है? यहाँ पर ना के बराबर नहीं है, अ लिटिल मतलब कुछ, लिटिल से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, अ लिटिल कुछ पैसा मेरे पास है, सो आई कैन हेल्प यू। राइट? यहाँ पर देखो, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। मैंने द लिटिल मनी स्पेंड कर दी जो मेरे पास थी, मतलब जो भी थोड़ा बहुत, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था, मैंने सारा का सारा ही स्पेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया। तो आपने क्या यूज किया? द लिटिल। जब आपको सारे की बात करनी हो पूरी क्वांटिटी की, चाहे थोड़ी बहुत जितनी भी है, तो आप क्या यूज करते हो? द लिटिल। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। मेरे पास जितना पैसा था मैंने सारा स्पेंड कर दिया। क्लियर? तो आई होप आपको ये फ्यू लिटिल और लिटिल अ लिटिल द लिटिल और फ्यू अ फ्यू द फ्यू का डिफरेंस आज क्लियर हो गया होगा और आप आगे से इसमें मिस्टेक अब नहीं करोगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच कंटेंट। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू थिंग्स। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।